जय श्री राम। कैसे आप लोग भैया, अच्छे होंगे? इस समय मैं बनारस के कैंट रोडवेज पे खड़ा हूँ और आज साले लोग जा रहे हैं, यहाँ से सीधी के लिए जाएंगे और सीधी के लिए मिर्ज़ापुर डिपो की बस है 12:30 और 12 के लगभग यहाँ से जाती है डायरेक्ट सीधी के लिए, तो उसी गाड़ी पे लोगों को बैठाना है और रोडवेज है अपना, ये सब रोडवेज है, यहाँ से मिलती है वो बसें। ये बस आ गई है, ये वाली बस आ गई है, यही जाएगी सीधी। ये देखिए गाड़ी अभी लग रही है स्टैंड पे भैया, हटो किनारे से। और ये साले साहब हैं, सब साले साहब जा रहे हैं? हाँ जी जा रहे हैं। चलो अब कब मिलोगे? फिर मिलेंगे, हो गया, जब बोलेंगे तब बुलाएंगे। चलो ठीक है। ये लल्ला ताक रहा है खिड़की में से, हम लोगों को देख रहा है कि अब हम तो चले परदेश, परदेशी हो गए। अभी बस जाने में भैया बहुत समय है। ये है वाराणसी का कैंट रोडवेज, यहाँ से सरकारी बसें छूटती हैं। अब हमारे साले साहब की भी बसें निकल गई थी, बैठा दिए थे, निकल रहे हैं थोड़ा पार्सल लेने के लिए भैया। और बारिश भी होना हो गया है, इस समय ओवर ब्रिज पे हूँ मैं, अब जा रहा हूँ पार्सल लेने के लिए। भैया साले साहब चले गए धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी, और अपने बच्चों को भी लेके बस पर बैठा उठा दिए, अब वो लोग सीधी के लिए निकल गए। हम आ गए अपने घर। इतनी भी लगाव जोड़ना नहीं चाहिए 3-4 दिनों में किसी से, बच्चे से लगा भैया जुड़ गई, अब घर आए तो देखिए काटने को दौड़ रहा है। जिसको बोले कि रहता था तो अबे ललुआ कहाँ गिले, का करत हुए, तू ललू ही कि ललुआ हुए, ऐसे ऐसे बोलना पड़ता था। अब किसको बोले, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा पोता है एक छोटा सा 3 कपड़ी ललु की ललुआ, वो भी है, वो भी आएगा अभी, अभी सा तो हम आए हैं। बारिश भी झमाझम रास्ते में हो रही थी, भीज भी गए थे, मेरी मोबाइल भी भीज गई थी। और आने के बाद थकान ज़्यादा लगी भैया, 12 बजे का निकले 4 बजे तो आए हैं हम शाम को। ऐसे ही जिंदगी, इसी को कहा जाता है भाग दौड़ की, भाग दौड़ करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। और अपने ब्लॉग को देते हैं भैया यहीं पे विराम, आपको बोलते हैं जय श्री राम, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जय श्री राम।